हिंदू तीर्थ स्थलों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां एक हिंदू को मुसलमान बना के वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले में अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर हिंदू तीर्थ स्थलों को बदनाम करने की मंशा से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिलीप बघेल नाम के भिखारी को शराब पिलाकर उसको पैसे का लालच देकर जावेद हुसैन नाम से एक वीडियो बनाया, जिसमें वो भिखारी हिंदू एवं ब्राह्मणों को अपशब्द कहते हुए उकसाने का कार्य कर रहा है। इस हरिद्वार में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर ले, कि हिंदुओं में जो है ना बकवास है। आप ये हाथ किधर दिखा के ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कबूल करवा रहे हो, ये तो बताओ। ये हमारे अल्लाह ने बनाई है, ये अल्लाह ने बनाई है। हाँ, ये नदियाँ कौन किसने निकाली है? अल्लाह ने निकाली है। अल्लाह ने निकाली है ये नदी, ये हमारे मोहम्मद ने निकाली है। आपके भी नहीं, नहीं मेरे मोहम्मद नहीं है, हमारे हैं। मेरे यही हैं जिनके पास मैं आया हूँ, मेरे यही हैं, हमारे नहीं है। अरे भाड़ में जाए पेट भरने की बात तो कुत्ता ही भर लेता है कहीं पे भी। जरूरत क्या है किसी इनको? किनको? ब्राह्मणों को। आपको हिंदू धर्म की अच्छाई बताऊं? मुझे मत बताओ, बता रहा हूं ना, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। ये प्रकरण सोशल मीडिया में वायरल होने पर जब उसकी शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला तो पता लगा कि वो कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं, वो आगरा का रहने वाला दिलीप बघेल नामक हिंदू व्यक्ति है, जिसे कुछ लोगों ने शराब और पैसे का लालच देकर ऐसा करने के लिए कहा। अब श्रीगंगा सभा ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर इस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हम इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है और जिसने कृत्य किया है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो से समाज में माहौल भी खराब होता है, स्थान की बदनामी भी होती है। हर की पौड़ी जैसे स्थल पर पूर्व में अगर कुछ लोग आए थे उनको चिन्हित करके हम लोगों ने पुलिस में दे दिया था, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार से ये झूठा एक हिंदू व्यक्ति को पकड़कर और उस भिक्षा मांगने वाले को लालच देकर गुमराह करके और इस प्रकार की चीजें करवाना मुझे लगता है अपराध की श्रेणी में आता है। और हमने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है और इस पर बड़ी कार्रवाई कराने का अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि जल्द, क्योंकि ये जांच लिया गया है किसकी ये वीडियो है, किस व्यक्ति ने वीडियो बनाई है, पुलिस जल्द ही उस व्यक्ति को पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।